हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम मुगल साम्राज्य के एक ऐसे बेगम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी मौत के बाद उनके शौहर ने उनकी याद में ताजमहल का निर्माण कर दिया था, जो कि आज के समय में 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से एक है। मुमताज़ का जन्म सन 1577 में अबुल हसन असद खान और दीवानजी बेगम के घर आगरा में हुआ था। उनके बचपन का नाम था अर्जुमन बानो। उनके अब्बू बहुत ही अमीर पर्शियन नोबल थे। असद खान मुगल दरबार में बहुत ही अच्छे वादे पर काम करते थे। असद खान की बहन थी नूर जहां, जो कि मुगल सल्तनत की सबसे ताकतवर और मशहूर बेगम थी। बचपन से ही मुमताज अरबिक और पर्शियन भाषा में माहिर थे। वे अरबिक और पर्शियन भाषा में बहुत सारी कविताएं भी लिखी थी। मुमताज देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। शाहजहां के पिता जहांगीर ने मुमताज और शाहजहां की सगाई करवा दी थी। उस वक्त मुमताज सिर्फ 14 साल की थी। सगाई के 5 साल बाद उनका निकाह हुआ था, लेकिन उससे पहले शाहजहां कंदाहरी बेगम से निकाह कर लिए थे। शाहजहां की पहली बेगम थी कंदाहरी और दूसरी बेगम थी मुमताज। शाहजहां मुमताज की बुद्धिमत्ता, सुशीलता और खूबसूरती को देख इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने मुमताज को मुमताज महल की किताब से सम्मानित किया था। नमाए जहांगीर की किताब के मुताबिक शाहजहां की 3 बेगम थी, जिनमें सबसे ज़्यादा खास मुमताज बेगम थी। वे सबसे अधिक प्यार मुमताज बेगम से ही करते थे। मुमताज इतनी खास थी कि वह शाहजहां के साथ उनके खास महल में रहती थी। मुगल शासन के समय सभी बेगम के लिए हर एक महीने कुछ पैसे खर्च किए जाते थे, लेकिन मुमताज के लिए उन सभी बेगम से अधिक पैसे खर्च किए जाते थे। मुमताज के नाम पर शाहजहां ने बहुत सारी जमीनें भी खरीदी थी। जहांगीर की मौत के बाद जब शाहजहां बादशाह बने तो वे मुमताज को मलिकाए जहां, मलिकाए उल जमानी और मलिकाए हिंदुस्तान के खिताब से सम्मानित किया था। बहुत सारे राजनीतिक कार्यों में शाहजहां मुमताज की ही राय लिया करते थे। मुमताज शाहजहां को बहुत प्रिय थे। वे मुमताज पर बहुत ज़्यादा ही भरोसा करते थे। शाहजहां ने मुमताज के नाम पर मोहरे भी बनवाए थे। शाहजहां के हर एक राजनीतिक कार्यों पर मुमताज की ही मोहर लगाई जाती थी, लेकिन मुमताज को राजनीति के कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। मुमताज और शाहजहां के 19 साल के निकाह में उन्हें 14 बच्चे हुए थे। अपने आखिरी बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज की मौत हो गई थी। मुमताज की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। उनके मृत शरीर को बुरहानपुर में दफन कर दिए गए थे। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां अंदर से इतने टूट चुके थे कि उन्होंने मुमताज की याद में ताजमहल बना दिया था। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां को 22 साल लगे ताजमहल बनाने में। फिर उन्होंने बुरहानपुर से मुमताज के कफन को लेकर ताजमहल में दफन कर दिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय।